आज भीमा कोरेगांव का शौर्य दिवस है और इस शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में हमारे गोंदिया में भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे साथ में सर है, सर से हम बात कर रहे हैं। सर, आज के दिन का क्या महत्व है, शॉर्ट में बताइए। सबसे पहले मैं इस भीमा कोरेगांव के शौर्य दिवस पर सभी भारतवासियों को क्रांतिकारी जय भीम कहूँगा। साथियों, इस भारतवर्ष का इतिहास रहा है जो मानव को मानव न समझने वाला और इस मानवता के खिलाफ 500 महारों ने पेशवाई समाप्त करने के लिए आज ही के दिन उन्होंने पेशवाई खत्म की युद्ध के दौरान, और उस भीमा कोरेगांव का इतिहास आज भारत ही नहीं अभी तो विश्व में विख्यात है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो इतिहास है, ये इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है। बाबा साहब भी वहाँ सब जाया करते थे, उसके बाद में ही जो परिवर्तन हमारे जीवन में आया है महापुरुषों और उनके संघर्षों, उनके बलिदान से आया है। आज का दिन का जो महत्व है वो अब सब लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। आज सर क्या संदेश देना चाहोगे आज समाज को? आज के इस शुभ अवसर पर मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि वो जो इतिहास आज 204 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी परिस्थिति वैसी है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इस परिस्थिति के में हम आज भी पढ़े लिखे हैं, बड़े होते पर काम कर रहे हैं। कह सकते हैं कि वो तो मनुवादी पेशवाई थी, जी आधुनिक पेशवाई में जी रहे हैं। हाँ, हम अभी आधुनिक पेशवाई में जी रहे हैं, बिल्कुल इसमें दो मत नहीं, क्योंकि आज वो पैतरे बदल रहे हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, राजनीति और सामाजिक अन्याय, अत्याचार, धार्मिक और वांछित भेदभाव निर्माण करके मानव में वह विषमता फैला रहे हैं। क्या लगता है आपको, जैसे 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को खत्म कर दिया, जी जी, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है, तलवारों का जमाना खत्म होके राज खत्म होकर के देश में डेमोक्रेसी आ चुकी है, कैसी लड़ाई लड़ना चाहिए, समाज ने कैसा एकजुट होना चाहिए, क्या संदेश दोगे? देखिये, भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई थी वहाँ गनिमी काव्य जो बोलते हैं मराठी में, तो उसके द्वारा पेशवाओं का जो गोखले था, वो गोखले ने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ वो सक्सेस नहीं हुए। 500 महारों ने जब अपने ठान लिया कि हमें ये विषमता की लड़ाई लड़ना है, ना कि अंग्रेज और भारतीयों के खिलाफ, तो आज उन्होंने पैतरे बदल चुके हैं, तो इस पैतरे को हमको समझना पड़ेगा। और बाबा साहब ने जो समता सैनिक दल स्थापित किया था उसका उद्देश्य यही था, हम शिक्षा और दीक्षा में के बाद भी हमने लड़ाई के लिए सदैव तत्पर रहना पड़ेगा, तभी हम अपना अस्तित्व यहाँ पर टिका पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। साथियों, बाबा साहब ने जो है हमको लोकतंत्र दिया है, डेमोक्रेसी दी है, और जो हमारा इतिहास जो है तलवारों का इतिहास रहा है, हम जो है इस देश में राजाओं के वंशज रह चुके हैं, और इस बात को हमको समझना पड़ेगा और इसको हमको आगे बढ़ाना होगा। अभी हमारे देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के माध्यम से हमें इस जो पेशवाई, जो आधुनिक पेशवाई, इसको ख़त्म करने का काम है। यहाँ पर समाज को एकजुट होकर करना पड़ेगा, और बाबा साहब के विचारों का भारत यहाँ पर हमें बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। इस बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। तब तक के लिए बने रहे दातिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।